गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यदि परिवार के साथ हमारे सभी बच्चों का स्वागत है। करंट अफेयर क्लास जो आप लोगों का डेली सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, और इसमें हमारे 4 पड़ाव आप लोग देखते हो, यानी कि 4 फेज में आप लोग देखते हो। फर्स्ट फेज में आपका नया सवाल, फिर आप लोगों का रिविजन, क्योंकि आप लोग जितने चीज़ों को पढ़ते हो तो उसको साथ में यहाँ पर रिविजन भी आपका हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ वन लाइनर, और फिर आपका स्टैटिक वाला पोर्शन लास्ट में, जो समय बच जाता है तो करंट बेस्ड आपको स्टैटिक भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सभी लोग सबसे पहले तो क्लास को शेयर तो नहीं करते आप लोग, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। सभी विद्यार्थी लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको एक बार फिर से सूचित करूंगा कि यदि अब तक आप लोगों को सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जान लीजिएगा कि 5 तारीख के बाद, यानी कि जब पर्यावरण दिवस हम लोग मना रहे होंगे तो उसके अगले दिन मंडे आएगा, तो 6 तारीख से आपकी ये लाइव क्लास कहाँ पर से होगी, टॉपर्स का अड्डा से होगी, ठीक है। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रेगुलर हमें फॉलो करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6 जून से क्लास है आपकी, वहीं से लाइव चलेगी, यानी कि आपका टॉपर्स का अड्डा, ठीक है ना। जिसका लिंक आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, कमेंट्स बॉक्स में क्या दिया गया, लिंक दिया गया, प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो वहां से आप लोग बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में देख लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो और जो बच्चे आप, क्योंकि देखिए जो बाद में और देखेंगे क्लास को, क्योंकि बहुत लोग लेट में उठते हैं, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे टॉप में देखेंगे आप टॉपर्स का अड्डा दिया गया। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया, जहां पर आप लोगों को PDF और क्विज देखने को मिलेगा। जो भी सवाल मैं आपको कराता हूँ उसका क्विज वहां पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए अभी सब चीज़ हम लोग एक पटरी पर, यानी ट्रैक पर लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, और इस संभव कोशिश को हम लोग आगे भी, ठीक है ना। हाँ, अड्डा लिंक नहीं मिल पा रहा है बच्चे। अच्छा ठीक है, ये दिया गया लिंक देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला सवाल आपसे दिया गया, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, हु हैज बिकम द इंडियन आर्मी फर्स्ट, जो कि क्या बनी आपका लड़ाकू पायलट बनी है, तो इनका नाम क्या आपका, अभिलाषा बाराकी, ठीक है ना। अभिलाषा विद्यार्थियों बाराकी जो पहली लड़ाकू पायलट बनी है, अभिलाषा बाराकी, ठीक है। तो देखिएगा अभिलाषा विद्यार्थियों बाराक, या सॉरी अभिलाषा बराक जो 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है, समझो विद्यार्थियों, उन्होंने 6 महीने लंबे कॉम्बेट आर्मी एविएशन कोर्स को सफल समापन करने के बाद उन्हें पहली महिला अधिकारी होने का, या लड़ाकू विद्यार्थी आपका, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने क्या करा था, आर्मी जो अब एविएशन विद्यार्थी कॉप्स को ज्वाइन किया और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये सफलता हासिल करी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर एक बुक है विद्यार्थियों, लिसन लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, लिसन टू विद्यार्थियों योर हार्ट, यहाँ पर क्या दिया आपका, ठीक है ना, द लंदन विद्यार्थियों आपके एडवेंचर, द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है, जो अभी रिलीज हुई है, तो ये लिखी गई किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड, और इन्हें प्रकृति प्रेमी भी माना जाता है, समझो उत्तराखंड के मसूरी से ही है विद्यार्थियों, ठीक चलेगा। तो देखिएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित आपका लिसन टू योर हार्ट, ठीक है ना, यानी कि ये बुक जो द लंदन एडवेंचर अभी रिलीज हुई है, कब आपका 19 मई को, देखे ठीक है ना। तो देखिए ये किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। केंद्र सरकार ने अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है, तो इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है, देखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, क्या बनाया गया आपका, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है, इस काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए अमित शाह, देखेगा किसे बनाया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, समझो विद्यार्थियों। तो अंतरराज्य परिषदों का गठन किया गया जो कि देश की सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए इसे पुनर्गठित किया गया, तो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, सभी राज्यों के विद्यार्थियों अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री और सदस्य विद्यार्थियों और 10 विद्यार्थियों केंद्रीय मंत्री स्थायी आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा
ये अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, ठीक है। जरूर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आने वाले समय पर। अंतरराज्य परिषद क्या होता है? भारत ने किस देश के साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम क्या है आपका, बंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया है? ये सवाल सीधा सीधा आपका पहले भी यूपीपीसीएल के अंदर पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएल के अंदर ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा, बंगो सागर क्या आपका एक नेवल एक्सरसाइज है, ये नौसेना अभ्यास है सर। किस देश के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिएगा, भारतीय नौसेना का तीसरा संस्करण बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, जो कि कहां पर, पोर्ट विद्यार्थियों मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। तो एक सवाल तो हमारे लिए ये भी बन जाता है कि पोर्ट मोंगला कहाँ पर स्थित है, पोर्ट मोंगला विद्यार्थियों पर किसका अधिकार है? तो ये अधिकार है आपका किसका, बांग्लादेश का। देखिएगा, तो एक सवाल हमारे लिए यहां से बन गया कि पोर्ट विद्यार्थियों मोंगला यानी कि मोंगला बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है, ठीक है। लास्ट टाइम पर कहां पर हुआ था ये आपका, देखो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तो हुआ, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार है सर बांग्लादेश का, ठीक है ना। तो चलिएगा, कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, बिल्कुल सर पड़ोसी देश है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है? तो ये तो ढाका के अंदर है। कहां पर है? ढाका के अंदर, ठीक है। इसकी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, संसद को? तो जातीय संसद के नाम से जानते हैं, जातीय संसद। सर यहाँ की करेंसी क्या है? तो टका यहाँ की करेंसी हो गई। कहाँ की? बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे आप लोग टका के नाम से जानते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, गुरु दक्षिणा के तौर पर एक आदत बना दीजिएगा, ठीक है। ये आपका अनुशासन दर्शाता है, जैसे जैसे आप लोग लाइव आते हो तो बिल्कुल देखिएगा आपको वीडियो लाइक भी करना है, ठीक है। और देखिए, हमारा प्रयास आपके लिए एक एक कंटेंट जो दिया जाएगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड। और ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप अगर मॉर्निंग में 1 आवर का समय हमें दे रहे तो आपको अधिकतम, अधिक से अधिक विद्यार्थी आप लोग को क्या किया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो चलेगा, तो भारतीय संसद देख, सॉरी बांग्लादेशी संसद, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अगर जाने कुछ और चीजों को, तो देखिए ये रहा बांग्लादेश, ये कौन सा रहा विद्यार्थियों? तो यहां से सवाल क्या क्या बन सकता है, भारत की सबसे लंबे अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। इसे क्या कहते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर से कौन कौन से राज्य लगे हुए? चलिए बच्चा, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना अच्छे से? सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। अभी हम दूसरे स्टूडियो से विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर देहरादून के अंदर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम चल रहा, तो जो हमारे हाथ पे नहीं है, क्योंकि अगर लाइव विद्यार्थी अगर रात से नहीं होगी तो इन्वर्टर भी चार्ज नहीं रहेगा। और इवनिंग में आप लोग देखते हो कि क्लासें डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन आज तो क्योंकि रात में नहीं रही होगी, देखिए मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ अभी। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा, देखिए मैंने कहा था ना 5 मिनट का समय लगेगा, तो 5 मिनट से पहले पहले हम पहुंच गए। तो हम कहां पर थे, बंगो सागर विद्यार्थियों के आपका
जो कि देखिए वोंगो सागर क्या है, आपका एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहां पर आपका पोर्ट भी दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट, ये मोंगला याद रखेगा, पोर्ट विद्यार्थी मंगला कहां पर हो, तो ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ कहां पर, जिस पर बांग्लादेश का अधिकार है। बाकी हम लोग जान रहे थे कि वो कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम बताया आप लोगों ने, और मैं आपके कमेंट्स में देख रहा था, बच्चों ने लिख के भेजा हुआ था, पीडीएफ मिलेगा दीपक बच्चे, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ की आप चिंता मत करिएगा, और साथ में जितने भी क्वेश्चन है ना उसका क्विज भी वहां पर करवा दूंगा आपका, ठीक है। 8-10 जो नए सवाल डेली के रहते हैं तो उन सवालों का क्विज भी वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको लिख देखिए, यहां पर ऑनलाइन आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, जल्दी जल्दी आपका होता है, ठीक है, लेकिन वहां से आप लोग नोट भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। एक स्टूडियो दूसरे स्टूडियो से कितना दूर है बच्चे? एक रूम से दूसरे रूम में एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, ठीक है, बस जहां यहां कितनी देर यहां बैकअप रहेगा, क्योंकि इस स्टूडियो में विद्यार्थी इन्वर्टर जितना बैकअप देगा तो हमारी क्लास उतनी चल पाएगी, लेकिन हमारे उस स्टूडियो में नहीं था अभी, चलेगा। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का, समझ विद्यार्थी यहां पर क्या पूछा गया, आईओसी द्वारा भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम क्या पूछा गया, ओवीईपी विद्यार्थी, ठीक है ना, ये क्या दिया गया आपका, तो इसका क्या ओलंपिक वैल्यू वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ओडिशा। दीपक जोशी बच्चे कैसे ऐड होंगे, तो आपको ऐड जिन जिन को, अगर जो ऐड नहीं हो पा रहे हैं, वैसे तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे 8630889139, ठीक है ना, जो भी बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा ये कहां पर है आपका, देखिए यहां पर क्या कहा मैंने, ओडिशा से शुरू किया गया, यहां आईओसी का नाम लिखा, तो ये आईओसी तो हम लोग कई बार इसका नाम सुन चुके हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कब बनी थी, 1894 में, मुख्यालय कहां पर आपका, लोसाने के अंदर, ठीक है, मुख्यालय कहां पर, लोसाने के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछता है इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं थॉमस बक, वर्तमान समय पर इसके हेड हैं। इतनी चीजें तो हमें याद रखनी ही होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिएगा, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए ये सवाल था आपका, तो ये दोनों जरूर याद रखेगा, ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम जो कि आईओसी के द्वारा शुरू किया गया, और कहां पर शुरू किया गया भारत के अंदर ये कार्यक्रम, तो ओडिशा राज्य से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की देखरेख के लिए विद्यार्थी प्रशासकों की 3 सदस्य समिति का नेतृत्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक क्या बनाई गई आपकी, कमेटी बनाई गई, जो कमेटी क्या आपका, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है ना, तो किसके नेतृत्व में बनाई गई ये समिति, किसके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया, तो ये किया गया ए आर विद्यार्थी दवे, ठीक है ना, ए आर दवे इनकी अध्यक्षता में, देखेगा यहां पर क्या पूछा गया, 3 सदस्य प्रशासकों की समिति नियुक्त की गई, तो ये शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेल संहिता को अनुसार विद्यार्थी क्या किया गया, संविधान को अपनाने की बात की गई, और ए आर दवे को इसका नेतृत्व दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में प्ले ऑफ में शतक बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बनेंगे, अच्छा शतक बनाए आईपीएल में विद्यार्थी, देखिए हम तो मैच देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहले आप लोग हो, कोई नए सर ज्वाइन किए हैं ईडी में,
हाँ, काफी लोगों का देखिए इंटरव्यू भी चल रहा है, और आप जैसे जैसे विद्यार्थी हमारा जब टॉपर्स कर जाए, जब क्लासेस चलेगी, तो एक ही सब्जेक्ट नहीं रहेगा, काफी सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका पैट एग्जाम को अगर हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्टों को अगर आपको तैयार करना है विद्यार्थियों, तो अलग अलग लोग तो होने चाहिए, क्योंकि अकेले अगर हम ही सब चीज देख लेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो हमें एग्जाम अगले 3-4 महीने में हमारे सभी एग्जाम हो जाएंगे, तो तब तक सारी चीजों को रिवीजन करने के लिए 2-3 लोग तो अपने साथ होने ही चाहिए, है ना। तो देखिएगा आईपीएल 2022 में प्ले ऑफ में शतक बनाने वाले पहले तो कौन बने हैं? अच्छा, रजत विद्यार्थियों पाटीदार। देखिए हमें नहीं पता था रजत पाटीदार ने शतक लगाया, यानी आरसीबी को खेलते हुए, है ना। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा। आरसीबी को खेलते हुए विद्यार्थियों ने 25 मई 2022 को प्ले ऑफ में क्या लगाया था? शतक लगाया था, और अनकैप्ड है। अनकैप्ड का मतलब अभी इन्होंने कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैच नहीं खेला है, ठीक है। चलिए, लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है, यहां पर पूछा गया, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? मोहिंदर, विद्यार्थी मोहिंदर के मेधा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मिधा करके, तो देखिए एक भारतीय मूल की राजनेता, यूके की विपक्षी लेबर पार्टी के पार्षद मोहिंदर विद्यार्थी मिधा को पश्चिमी लंदन के इलिंग काउंसिल का मेयर चुना गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना जो सेकंड फेज होता है हमारा, रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, ये आपने हमेशा से देखा होगा, और जिसे हमने एक कोड नेम दिया है संजीवनी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था ना कि देखिएगा जीवन में जो एक शब्द होते ना, इन शब्दों का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है, समझो। तो ये संजीवनी का मतलब ये कि जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे, और जहां उलझ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नाम, 2-4 नाम एक जैसे सुने हुए होते हैं, या फिर तो वहां पर ये आपका संजीवनी का काम करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थियों, हमें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन के हिसाब से चीजों को रट लेते हैं या नाम के हिसाब से, तो क्लिक नहीं होता है, तो बार बार रिवीजन करना, तो इसी वजह से इसे संजीवनी नाम दिया गया। और बार बार कहता हूं मैं आपसे, रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग अमित बच्चा, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है ना। सरोजनी नायडू जी की विद्यार्थियों जयंती पर मनाया जाता है। आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय अगर पूछता है तो 8 मार्च आता है, तो राष्ट्रीय विद्यार्थियों, देखिएगा आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। देखिए बिल्कुल मेहनत तो होती है, लेकिन हमारी मेहनत विद्यार्थियों, आपकी जो ऊर्जा है ना, आपका जो पढ़ने का तरीका है, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना लेते हो, आप लोग देखिए हम लोग तो चलो 2-3 घंटे पढ़ा के आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन आप लोगों की तपस्या हमसे काफी ज्यादा है, जो कि सुबह 5 बजे से और शाम रात के 10 बजे तक क्लास को देखना और उसे नोट भी करना, काफी ये काफी ज्यादा मेहनत है। हमें ऐसा लगता है कि देखो मैं अपने आप को जो तसल्ली देता हूँ, कहता हूँ हमारा बच्चा सुबह से बैठा हुआ, सिर्फ हाँ जिन बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं ना, थोड़ा पीछे अटक जाते हैं, ऑप्शन रखते हैं ना कि बाद में पढ़ूंगा, तो वो बाद वाला चक्कर वाले थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बस जो रेगुलर पढ़ रहा है क्लास में, तो उसका बेहतर है कि देखिए ऑनलाइन शिक्षा में थोड़ा सा यही है कि आपको अपने लिए ईमानदार बनना है और ऑप्शन नहीं रखना है, ठीक है। चलेगा, यहाँ पर क्या दिया गया? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक रहेगा 46वां। कौन सा रैंक है? 46वां रैंक है, ठीक है ना। चलिए, पैट का फॉर्म, देखिए पैट का फॉर्म जून तक फिल हो जाएगा, समझो, जून तक विद्यार्थी आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि 18 सितंबर को एग्जाम है, ये भी ध्यान देना, 18 सितंबर को एग्जाम है पैट का,
समझो। और अभी तो पैट सिर्फ आपका लेखपाल में लागू कर दिया था, और आप जानते हो कि ठीक है ना, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लिखना नहीं, आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड होता है, इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोगों को वर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, चलेगा। तो ये बुक किसने लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी नामक जो पुस्तक लिखी गई, तो ये किसने, सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसी वजह से मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको, इसरो के जो प्रमुख के रूप में विद्यार्थियों किसे नियुक्त किया गया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च, और बिल्कुल अमित कुमार बच्चा, मैं आपके मैसेज को पढ़ पा रहा हूं, देखिएगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना, इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु के अंदर है, और इससे पहले के शिवम इसके हेड थे, तो वर्तमान समय पे कौन है, आकाश बच्चा बी आंसर दिया आपने, टीएस त्रिमूर्ति, अच्छा वो पिछले वाले का था, ये इसका आंसर था टीएस त्रिमूर्ति, वर्तमान समय पर यूएन में भारत के परमानेंट क्या है, हाँ इसका आंसर, अच्छा ठीक है, इसका आंसर सी आ गया, तो एस सोमनाथ, पिछले वाले का बी था, पिछले वाले का आंसर बी था, पिछले वाले का आंसर तो ए है, तो फिर बी का आंसर कहां से दिया आपने, तो देखिएगा एस सोमनाथ है, ठीक है ना, एस सोमनाथ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, किस अभिनेता ने 79 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि फॉरन हॉलीवुड जो आपका प्रेस एसोसिएशन के द्वारा 1943 से दिया जाता है, फॉरेन हॉलीवुड विद्यार्थी आपका जो प्रेस एसोसिएशन है इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा विल स्मिथ, ठीक है ना, विल स्मिथ आएगा, समझ, जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो विल स्मिथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, कचाई लेमन को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, आप जानते हो कि कचाई लेमन को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, तो ये कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पर आयोजित होता है, जल्दी आंसर दीजिए, असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, ठीक है, चलो ठीक है ना, तो देखिए यहाँ आंसर देखिएगा विद्यार्थी आपका, देखिएगा हाँ कुछ भी, मतलब 22 का दिया था, 23 का दिया था, किसी का तो बी आएगा है ना, चलेगा, तो देखिएगा 23 का भी तो बी आ गया, चलिए मणिपुर, ये कहां पर आपका, मणिपुर के अंदर, ठीक है मणिपुर, और इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, कचाई लेमन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि इसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में किसने होस्ट किया, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है, तो ये होस्ट किया गया किसके द्वारा, इंडिया, भारत के द्वारा, चलेगा भारत ने इसे होस्ट किया, ठीक है ना, तो अगला सवाल आपके सामने दिया गया, हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है, हॉर्नबिल यहाँ का स्टेट बर्ड भी है, हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी भी है, और हॉर्नबिल त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, 1963 में इसे भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, इसी दिन से भारत का 16वां राज्य गठित किया गया था, ठीक है, और आर्टिकल 371 के तहत, आर्टिकल 371A के आधार पर यहां पर क्या है, स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त है। आपको यह भी पता होगा कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8 शेड्यूल के अंदर क्या है, 8 शेड्यूल के अंदर भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है जिसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, तो इस राज्य की कैसे है फिर, तो इसी के तहत है, ये सवाल आता है ना आपके दिमाग में कि सर इसका कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, नागालैंड।
नागालैंड में अफस्पा लागू किया गया, नागालैंड में विद्यार्थियों अफस्पा लागू किया गया अगले 6 महीनों के लिए। अफस्पा का मतलब समझो आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, पूर्वोत्तर भारत में आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया। और ये कहां पर किया गया, तो ये किया गया हमारे बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों नागालैंड के अंदर, ठीक है ना, आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल पूछ रहा है कर्नाटक का पूर्व नाम क्या था, कर्नाटक को आप पहले किस नाम से जानते थे, कर्नाटक अगर राज्य जाओगे तो क्या क्या देख के आओगे। सर हम तो क्या देख के आएंगे, जोग फॉल को देख के आएंगे। हाँ सबसे पहले विद्यार्थियों जोग फॉल ही देखना, ठीक है ना, जोग फॉल जिसे गांधी फॉल भी कहते हैं, जिसे विद्यार्थी आपका गारसोपा भी कहते हैं, ये श्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है आपका, ये श्रावती नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, यहां पर ये भारत का सबसे ऊंचा फॉल है। जब आप कर्नाटक जाओगे तो यक्षगान भी देख लेना, फिर यक्षगान देखोगे बिल्कुल, जाओगे तो कंबाला भी देख के आना, फिर कंबाला क्या है, कंबल नहीं ये कंबाला है, जो यूपी पीसीएल में पूछा था कंबाला भैंसों की दौड़ है। तो इसका पूरा नाम क्या था आपका, मैसूर, और मैसूर पैलेस के बारे में पूछता भी है कि मैसूर पैलेस जो कहां पर आपका, तो वडियार वंश के द्वारा बनाया गया था, समझो वडियार वंश के द्वारा बनाया गया था, कहां पर हमारा, तो कर्नाटक के अंदर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आईपीएल 2022 की जो मेगा विद्यार्थी नीलामी में शिखर धवन को किस आईपीएल टीम ने खरीदा था, खरीदा था विद्यार्थियों अभी उसी टीम के साथ है, तो देखिएगा शिखर धवन को किस आईपीएल टीम ने खरीदा था, तो देखिए किस कौन सी टीम ने, पंजाब किंग्स, ठीक है ना, पंजाब किंग्स। शायद अभी ये भी है फाइनल में है, शायद ये भी है अभी, गुजरात भी है, लखनऊ बाहर होगी ना, हाँ लखनऊ बाहर होगी आप कह रहे हैं, तो राजस्थान है, राजस्थान आरसीबी और गुजरात अभी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, गेमिंग ऐप विद्यार्थियों A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, समझो तो किसे नियुक्त किया गया, बिल्कुल किसे नियुक्त किया गया, शाहरुख खान को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर। चलेगा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखिएगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए तो वो बनाए गए किसे, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा जिन्हें किससे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ये कौन से खेल से संबंधित है, मनिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है, याद आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे, और जैसे जैसे लाइव आते हो ना तो आपसे कहा है कि गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, तो ये आदत बना दीजिएगा कि वीडियो को लाइक भी करना आप लोगों को, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 1969 से दिया जाता है, और ये भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल जो अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया गया आपका शेरशाह को दिया गया, किसे दिया गया, शेरशाह को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। चलेगा मनिका बत्रा किससे खेल से संबंधित है, टेनिस से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल अब देखिएगा, जब हमारे विद्यार्थी ए और बी में उलझ जाते हैं, जब हमारे विद्यार्थी नन ऑफ दीज जैसे ऑप्शन का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो प्रयास है हमारा कि वन लाइनर आपको रखा जाए, और वन लाइनर सवालों में विद्यार्थी आप लोग उस गलती को ना दोहराएं जो बार बार, यानी कि आप लोग ए और बी ऑप्शन दोनों नाम सुने हुए हैं तो कोई आंसर नहीं बन पा रहा है, नन ऑफ दीज आंसर होने के साथ साथ भी हम पहले 3 में आंसर ढूंढ रहे, तो इसलिए हमारा प्रयास कि आपकी गलती कम से कम हो, ठीक है। वथुकम्मा एक उत्सव है जो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, वथुकम्मा जो उत्सव मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है हमारा तेलंगाना स्टेट के अंदर, तेलंगाना स्टेट कब बना था, ये 2 जून
2014 में क्या बनना है, भारत का एक राज्य बना तेलंगाना, ठीक है। इसका कैपिटल कहां पर है, हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश की और किसकी, तेलंगाना स्टेट के। चलिए अगला सवाल देखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं, जिस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, किस दिन हुई थी सर ये, तो ये हुई थी आपका 16 अक्टूबर को 1945 में, तो इसी दिन तो मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा याद रखना 2020 में 75 रुपए का कॉइन जारी किया गया था, इसके सम्मान में 75 रुपए का, समझो सम्मान में 75 रुपए का कॉइन जारी करा, क्यों, क्योंकि इसके स्थापना के 75 ईयर कंप्लीट हो गए थे, 75 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, इस कारण, ठीक है ना। हाँ 16 अक्टूबर को बर्थडे मनाता है। चलिए 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए मैंने आप लोगों को 2019 बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है ना, तो 2019 में क्या रैंक था हमारा, 102 था, 2020 में हम लोग कहां पर गए, 94 पर गए, और 2021 में कहां पर गए हम लोग, 101 पर, ठीक है ना। तो टोटल देखिएगा पिछले लास्ट तीन पूछेगा, ठीक है, तो ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल पूछा माउंट हैरियट जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया जाएगा, तो ये भारत के कौन से राज्य में, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहां पर है, तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर। इसका कैपिटल कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में ही इसका कैपिटल है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका कैपिटल है। चलेगा, अच्छा 16 अक्टूबर को आपका अपना है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री धनवंतरी जैनिक आपका मेडिकल स्टोर योजना शुरू करिए, आपसे पूछा जाता है कि धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया जाता है, धनवंतरी पुरस्कार स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया जाता है, और ये छत्तीसगढ़ का, देखिएगा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है अभी, तो भूपेश बहगल, ठीक है ना, भूपेश बहगल छत्तीसगढ़ के क्या है, सीएम है। चलिए अब देखिएगा, क्योंकि एग्जाम 2022 भी आपका चल रहा है, और एग्जाम 2022 विद्यार्थियों ये रात में 8 बजे चलते हैं, लेकिन 8 बजे अब सर की क्लास भी होगी, तो पैरेलल में दो क्लास कैसे लोगे आप लोग, है ना, 8 बजे विद्यार्थियों दो क्लासेस कैसे लेंगे। और देखिएगा आप लोग कहते हैं कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, मैं क्या कह रहा हूं, जब दिन भर में नेट बच जाता है आप लोगों का, तो मोबाइल फोन सामने रखिएगा, और चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे विद्यार्थियों किचन में रोटी बना रहे हो, ठीक है, तो आराम से आप क्लास को देख लीजिएगा, जो सवाल आपको आता है ठीक है, जो नहीं आता है उसे हम नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर नोट नहीं भी करते हो तो यही सवाल का क्विज मैंने आप लोगों के लिए क्या कहा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो विद्यार्थियों आपका टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर्स का, वहां पर मैं पहले ही इन सवालों का क्विज आपको करा चुका होता हूं, जिससे कि आपको आंसर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर उससे कुछ सवाल जो नहीं आ रहे तो उसे आप जरूर नेट पर सर्च करोगे और दो चार चीजें और जान के आ जाओगे, है ना। चलेगा तो देखते हैं हम लोग अगला, आज के लिए सवाल पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों अमेरिकन देखिएगा तो कौन बनी है, कमला हैरिस, ठीक है ना, कमला हैरिस। यहां से हमें एक सवाल पूछा जाता है भारतीय मूल, तो भारतीय मूल के लोगों के अधिकार के बारे में, भारतीय मूल के जो लोग होंगे उन्हें किस तरह का अधिकार दिया जाएगा, इस संबंध में हमारे संविधान में कुछ बातें की गई है। भारतीय मूल यानी कि जिनके माता पिता में से कोई भारतीय हो, ठीक है, तो याद रखिएगा इनके अधिकारों के बारे में कहां पर दिया गया, आर्टिकल 8 के अंदर दिया गया, ये जरूर याद रखिएगा। इंडियन ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 को अगर आप लोग पढ़ते हो और ये सवाल पूछा जाएगा आपसे,
समझो अनुच्छेद 8 को अगर आप लोग पढ़ते हो तो वहां पर यह व्यवस्था दी गई है। चलेगा अगला सवाल देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक जिसे शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हो, एडीबी, एशियन विकास बैंक आपका 1966 में बना और इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं तो 68 इसमें सदस्य राष्ट्र है। आपसे पूछा गया इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय सर हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, मांडलुंग विद्यार्थियों फिलीपींस के अंदर या मनीला के अंदर, ठीक है ना, मनीला के अंदर आपको, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, लुहेरी फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारे कौन से राज्य के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो बजट जारी किया गया था तो वहां पर भी बताया गया था इसके बारे में कि इतना अमाउंट इसके लिए इस बार दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा लुहेरी फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलज नदी पर बन रहा है। आप जानते हैं विद्यार्थियों सतलज नदी जो कि आपका मानसरोवर लेक से होते हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए कहां पहुंचती है, पंजाब। जब पंजाब में कौन सी नदी, तो ब्यास इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो वहां से क्या बनता है आपका भारत का सबसे लंबा जो विद्यार्थियों नहर, इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज से, हरिके बैराज से निकलती है भारत की सबसे लंबी केनाल। कौन सी केनाल, तो इंदिरा गांधी केनाल 1984 में, जो कि विद्यार्थी 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी केनाल पड़ा। उससे पहले राजस्थान में इसका शुरुआत हो चुकी थी, राजस्थान में विद्यार्थी 1927 से ये बनकर तैयार हो गया था, तब ये गंग नहर कहलाता था। महाराजा भगीरथ, राजस्थान के विद्यार्थियों इस क्षेत्र में महाराजा भगीरथ ने इसकी नींव रखी थी और 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी केनाल पड़ा, ठीक है ना, बिल्कुल चलेगा। नहीं गंगा की सहायक कहां होगी ये, अतुल बच्चे गंगा की सहायक नदी थोड़ी ना है, सतलज गंगा की सहायक थोड़ी ना है। मैंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया आपको, उसमें देखिएगा सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रखा है, वहां पर देखिएगा एक बार दोबारा से, अगर रिवीजन करा तो करा देंगे, गंगा की नहीं आएगी। भारत के केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, वर्तमान समय पर केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, तो देखिए कौन है, आप लोग जानते हो कि एक नाम आपने कई बार सुना होगा सर, आरटीआई का नाम सुना हमने, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये व्यवस्था एक फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है ना। तो याद रखेगा ये पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू होता है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A के अंदर रखा गया, जहां पर राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, समझो विद्यार्थियों, या प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय पर सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन वाई के सिन्हा, ठीक है ना। और मैं क्यों आपको 19A के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट में है, मूल अधिकारों के अंदर है, और यहीं पर आपको बोलने का अधिकार दिया गया या स्वतंत्रता दी गई आपकी 19A के अंदर, ठीक है ना, और वहीं पर आपका राइट इंफॉर्मेशन भी शामिल है, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला अनोखा रॉक क्या दिया गया, संग्रहालय। अगर रॉक गार्डन पूछता तो आप चंडीगढ़ पहुंच जाते, रॉक गार्डन अगर आपसे पूछता तो आप चंडीगढ़ में, जिसे नेकचंद सैनी जी के द्वारा क्या किया गया था, आपका डिजाइन किया गया था। तो ये क्या आपका रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया, जिस शहर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर सर हमें चार मीनार देखने को मिलते हैं, चार मीनार जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, ये शासक था विद्यार्थियों कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। ये चार मीनार क्यों बनाया गया, उस समय पर प्लेग रोग के उन्मूलन के उपलक्ष में बनाया गया, यानी कि इस खुशी में बनाया गया था कि प्लेग रोग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते थे, जिसे विद्यार्थियों ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, तो इस रोग के उपचार को ढूंढने के उपलक्ष में बनाया गया था, ठीक है ना।
चलेगा, ठीक है ना। चलेगा तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में विद्यार्थियों ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इनका नाम तो नहीं भूलेंगे आप लोग, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है ना। किससे विद्यार्थियों? आपके जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हथकरघा नहीं विद्यार्थियों, हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त 2020 को भारत सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था? आपका किसान रेल भी चलाई गई थी, किसान रेल। किसान रेल का जो उद्देश्य है, तो ये दो शहरों से जोड़ा गया था आपका, एक था विद्यार्थी आपका देवलाली से दानापुर, यानी कि महाराष्ट्र से आपका बिहार राज्य के मध्य चलाई गई थी, वहां पर विद्यार्थी जो सब्जियां वगैरह है, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है। अमित शर्मा विद्यार्थी कहते हैं, सर इमरजेंसी के समय पर कौन सा मूल अधिकार खत्म होता है? देखिएगा, इमरजेंसी के समय पर आर्टिकल देखिए जो 20 और आपका 21 के अंदर जो व्यवस्था दी गई है, इन्हें छोड़कर, और देख अब आपने इस टॉपिक पे लिया है हमें, तो मैं आपको बता दूं पहले क्या था ना, कि जैसे इमरजेंसी लगती थी तो ये डिफाइन नहीं था कि कौन सा आपका मूल अधिकार समाप्त किया जाएगा, समझो, ये डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 359 में दिया गया कि राष्ट्रपति विद्यार्थी खत्म कोई भी अधिकार नहीं होता, आपके अधिकारों को निलंबित किया जाता है, मतलब उस समय पर जैसे लॉकडाउन में आपने देखा था कि आपके अधिकार आप अपने खुद के चौकट में नहीं निकल सकते थे, ठीक है। तो वही गण आर्टिकल 359 क्या कहता है कि राष्ट्रपति विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि देखिए उन 20 और 21 को छोड़कर, समझ, 20 और विद्यार्थियों 21 को छोड़कर सभी जो आपके क्या है फंडामेंटल राइट है उन्हें कम कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपने लॉकडाउन में देखा, समझो, जिसका विद्यार्थी देखिए सभी आपके 20 और 21 को छोड़कर, और आर्टिकल 59 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति विद्यार्थी यहां भी कम कर सकते हैं, 20 और 21 को भी कम कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, ठीक है ना। चलेगा, चले बच्चे आपका अगला सवाल देखिएगा, 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? समर ओलंपिक खेल, लेकिन ये याद रखना है कौन सा 33rd है विद्यार्थी, यानी कौन से खेल है आपके 33वें, और जो टोक्यो में हुए थे वो क्या आपका, ठीक है ना, जो विद्यार्थी आपके 32वें हुए थे वो टोक्यो के अंदर हुए अभी, तो ये कौन से 33वें आपके, तो कहां पर होंगे, पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे देखने को मिलेगा, जब नौकरी लग जाएगी आपकी तो जाएगा विद्यार्थियों पेरिस को देखना, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करते रहिएगा, और ये क्लास आप लोगों की 5 जून से, यानी 5 जून को विद्यार्थियों बाबा केदारनाथ के विद्यार्थियों आपको आशीर्वाद से टॉपर्स का अड्डा विद्यार्थी जो हमारा नॉन टेक्निकल चैनल होगा इसका प्रारंभ किया जाएगा, और आप सभी लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि हम सर डिजिटल माध्यम से आरके रमन सर के साथ टॉपर्स का अड्डा को विद्यार्थी शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल देखिएगा, हमने कहा ना कि इसे एक डेट निर्धारित की गई 5 जून, और 5 जून निर्धारित करने का वजह भी यही है क्योंकि हमने क्या कहा विद्यार्थी, ठीक है ना, कि 5 जून इसलिए क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस है, और आप जानते हो कि बाबा केदारनाथ विद्यार्थियों यहाँ पर शिव भगवान की पूजा की जाती है, और शिव भगवान को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, ठीक है ना, इसलिए तो विद्यार्थियों कैलाश में है, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो 5 जून इसीलिए आपका एक स्पेशल दिवस भी है, और आने वाले जनरेशन के लिए एक मैसेज भी है कि वो अपने एनवायरमेंट का जरूर ख्याल रखें, ठीक है ना। चलेगा, सभी लोग लाइक भी करते रहेगा, चलिए नहीं 5 जून को तो छुट्टी है ना, 5 जून को संडे है मेरे बच्चा, 5 जून को संडे है,
चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछ रहा आपसे, भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार 2021 का आयोजन किया था। जायद तलवार जो एक्सरसाइज है आपका, जैसे अभी बंगो सागर कहा था ना, तो वैसे जायद तलवार भी आपका क्या है, एक्सरसाइज है, जो कि सर आर्टिकल 360 में क्या है, चलो उस पर ही बात करेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, मेरे विद्यार्थी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वित्तीय आपातकाल, सुना है ना, वित्तीय आपातकाल, इसे कहते हैं आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 में दिया गया है, ठीक है। ये व्यवस्था हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये कहां से लिया है आपका, अमेरिका से, और भारत में आज तक ऐसी कभी स्थिति, देखिए 1991 में कहा जाता है कि स्थिति आई थी, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो हमने आर्टिकल 360 का प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है भारत में, विद्यार्थियों कभी भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो चलिए बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग कहां पर हो, यूट्यूब के अंदर हो ना, चलेगा ठीक है। तो जाते जाते एक काम कर लीजिएगा, अगर जिन बच्चों ने, देखिएगा अब तक अगर आप लोगों ने टॉपर्स कैडा विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको विद्यार्थी देखिएगा आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखा गया टॉपर्स कैडा, ठीक है ना, तो इस पर क्लिक करिएगा और सीधे आप कहां पहुंच जाते हो, तो देखिएगा यहां पहुंच जाते हो, ठीक है। और यहां 1 पॉइंट विद्यार्थी आपका 1-1 यानी कि 1110 विद्यार्थी हमारे जुड़ चुके हैं इसमें, तो आप भी जुड़िएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़िएगा, जिससे कि आप लोगों को जितने भी सवाल हमने यहाँ कराए वो लिखने का समय तो आपको नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करने का समय मिल जाएगा, क्योंकि इन सवालों को थोड़ी देर बाद जैसे मेरी क्लास है समाप्त होती है 9-10 बजे, तो वहां पर मैं क्विज आपके अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है ना। और रात में जो मेरी क्लास होगी आज, तो वो आपका स्पोर्ट्स इवेंट से ही आधारित रहेगी, जो स्पोर्ट्स इवेंट से आधारित आपका 2022 में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए आपके जनवरी से अब तक के, तो उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, ठीक है ना। तो चलेगा, अच्छा आप नहीं जुड़े, आप क्यों नहीं जुड़ेंगे, सब लोग जुड़ेगा, चलेगा ठीक है ना। तो देखिएगा आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।